हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मैं बनाने वाली हूँ रस मलाई, वो भी घर पे और लिमिटेड इंग्रेडिएंट के साथ, जो भी मेरे पास घर पे हैं। मतलब बाहर से हम कुछ लेने नहीं जा रहे हैं, एज़ एवरीवन नोज कि लाइक लॉकडाउन चल रहा है, तो इसलिए बाहर तो जाना ही नहीं है, घर वाली चीज़ों से ही बनानी है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करके मुझे बताना, और चैनल को सब्सक्राइब करना इनकेस आपने नहीं किया है अब तक। तो शुरू करते हैं फिर वीडियो। तो रसमलाई बनाने के लिए आज मैं सारे इंग्रेडिएंट आपको सबसे पहले इकट्ठे नहीं दिखा रही हूँ, जो जो डलता जाएगा वो मैं आपको दिखाती जाऊँगी। तो सबसे पहले मैंने लिया था 1.5 लीटर दूध, उसके मैंने दो पार्ट कर लिए। 1.5 लीटर में थोड़ा सा कम, जैसे ये मान लो आप 600 ml, ये मैं बना रही हूँ जिसमें हम सोक करते हैं, लाइक जो रबड़ी टाइप होती है, और जिसमें हम जो गुलाब जामुन उसके रसमलाई के जो स्पंज होते हैं वो हम सोक करते हैं, वो वाला दूध ये है। इसमें एक बॉयल आ जाएगा, तो फिर हम इसमें डालेंगे शुगर और केसर है तो केसर, अदरवाइज थोड़ा सा येलो फूड कलर और सफ़ेद इलायची, बट पहले इसमें बॉयल आ जाने देते हैं। और ये दूसरी तरफ भी मैंने दूध रखा है, इसमें भी बॉयल आ जाने देते हैं। जैसे ही इसमें बॉयल आएगा, इसको थोड़ा सा ठंडा करके इसका छेना बनाना है, तो ये दोनों पहले बॉयल हो जाने देते हैं। तो दूध हमारा बॉयल हो चुका है दोनों तरफ, ये कंटिन्यू अभी बॉयल हो रहा है, और इसको कर दिया मैंने बंद। इसको 5-6 मिनट ठंडा होने देते हैं, फिर इसका बनाएंगे छेना। और इसमें अभी हम डालते हैं बाकी के इंग्रेडिएंट्स, जैसे चीनी। सबसे पहले चीनी आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लेना, कुछ लोग थोड़ा कम पसंद करते हैं, कुछ लोग थोड़ा ज़्यादा। और ये दो इलायची, ये मैं कूट के डालूंगी, और थोड़ा सा फूड कलर, क्योंकि मेरे पास सेफ्रन नहीं है, जो केसर आती है वो नहीं है, उसी से इसका कलर आता है। अगर केसर नहीं है तो आप फिर डाल सकते हो फूड कलर, वैसे ट्राई करो कि केसर ही मिल जाए, उसका फ्लेवर भी बड़ा अच्छा आता है अगर आप केसर डालते हो। तो कलर मैंने इसमें डाल दिया, अब हल्का सा येलो हो गया है, ये बस इतना ही काफ़ी है, इससे ज़्यादा नहीं। एक्चुअल में आधे से ज़्यादा सामान ना हम लोग बाहर जाके ला नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अभी आजकल तो बिल्कुल ही बाहर जाना बंद सा ही है, और जाना भी नहीं है, जब आपका काम चल जा रहा है तो ऐसे अननेसेसरी बाहर जाना ही नहीं है। तो पहले इसको कूट लेते हैं, और ये मैंने डाल दी है इसमें इलायची, और अब इसको चला देते हैं, और इसको अब पकने देंगे कम से कम 15 से 20 मिनट तक ऐसे ही। बिल्कुल रबड़ी नहीं बनानी इसकी, थोड़ा पतला रखना है हमें, क्योंकि बिल्कुल जब हम रबड़ी बना देते हैं ना इसकी, तो क्या होता है जब आप इसमें स्पंज डालोगे तो उसको एब्जॉर्ब नहीं करेगा, और अंदर से वो खाली खाली दिखेगा। मतलब जब आप उसको बीच से काटोगे, जो स्पंज हमने इसमें डाले हैं, तो वो अंदर तक रबड़ी सोखेगा ही नहीं, बिकॉज वो रबड़ी तो थिक होती है। इसको रखना पतला ही है, थोड़ा गाढ़ा दूध रखना है बस, ये मान लो आप। तो इसको अभी जैसे बॉयल आने के बाद 15 मिनट तक लो फ्लेम पे पका दो, दैट्स इट। तो ये वाला दूध हमारा ऑलमोस्ट हो चुका है, इसको सिर्फ अब 3-4 मिनट और पकाने के बाद मैं कर दूंगी बंद। और ये भी हल्का सा ठंडा हो चुका है, अब इसमें मिलाते हैं हम अपना नींबू का रस, जो कि डायलेटेड है। इसमें नींबू के रस में मैंने डाला है आधा नींबू का रस, और जितना नींबू का रस है उससे डबल पानी। और अब इसको डालेंगे 1-1 चम्मच, और दूध को चलाते जाएंगे साथ साथ जब तक ये फट नहीं जाता। और ये दूध हमारा गया फट, और इसका बन गया छेना। इसको 5-6 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देना है, उसके बाद इसको छानेंगे हम। और जो दूसरा वाला मैं सोक करने के लिए गरम कर रही थी, वो भी हो चुका है, वो कर दिया मैंने बंद। अब 2-3 मिनट इसको ऐसे ही छोड़ने के बाद छान लेंगे, फिर हम बनाना शुरू करते हैं अपना छेना। तो छेना हमारा रेडी हो चुका है, इसको मैंने मसलिन क्लॉथ में छान के और बहुत अच्छे से ड्राई कर लिया, इसमें ज़रा सा भी पानी नहीं बचा, मतलब हल्का मॉइस्चर है लेकिन वो ऐसे निकल नहीं रहा दबाने पे, इतना ही ड्राई ये होना चाहिए। अगर इसमें थोड़ा सा भी ज़्यादा मॉइस्चर रहेगा तो जब आप इसको नीड करोगे उस टाइम पे ये सारा मैस हो जाएगा, और इसकी बॉल भी नहीं बन पाएंगी। तो इसलिए बहुत अच्छे से इसको सुखाना ज़रूरी है, सुखाना इन द सेंस कि सारा पानी निचोड़ना ज़रूरी है। और इसको अब मैं करती हूँ नीड, ये भी इम्पोर्टेंट स्टेप है इसका, नीड इसको बहुत अच्छे से करना है, एकदम स्मूथ बना बना देना है नीड करते करते, बिकॉज़ अगर आपका थोड़ा सा भी दानेदार रह जाएगा ये छेना, तो जो आपके बॉल्स हैं, जो आप बनाओगे बॉल्स रसमलाई वाली, वो फट जाएंगी जब आप पकाओगे उनको। तो इसको नीड करते हैं, और साथ ही साथ बनने रख देते हैं अपनी चाशनी। चाशनी के लिए मैंने ली है इसमें 2 कप चीनी, 2 कप चीनी में 3 कप पानी जाएगा, और इसको करते हैं बॉयल। जैसे ही इसमें बॉयल आ जाएगा वैसे ही इसमें बॉल्स डाल देंगे हम 1-1 करके, और 15 मिनट तक फिर इसको हम पकाएंगे।
इसको ऐसे दबा दबा के नीड करना है हाथ से, ये मसल मसल के। और इसमें लगेगा टाइम थोड़ा, 6-7 मिनट का टाइम इसमें लगेगा, 6-7 मिनट कंटिन्यू इसको नीड करके एकदम सॉफ्ट कर लेना है। तो ये छेना हमारा नीड हो चुका है, और अब इसकी बनाएंगे छोटी छोटी सी बॉल्स, और बॉल्स को थोड़ा सा फ्लैट बनाना है ये, और थोड़ा सा दबा देना है ऐसा, ये शेप का। अब बना लेते हैं जल्दी जल्दी से ये। और ये सारे बॉल्स हमारे बन के तैयार हैं। अब इनको डालना है चाशनी में। चाशनी का जो टेम्परेचर है वो कम ना हो, इसलिए एक एक करके ही डालना है, और धीरे धीरे। और ये डालने के बाद इसको ढक के पकाना है कम से कम 15 मिनट तक, और बीच बीच में आपको चेक करते रहना है, जैसे 6-7 मिनट पे खोल के दो एक बार चेक कर लेना बस। और 15 मिनट जैसे हो जाएंगे, इनका बॉल्स का साइज हो जाएगा डबल, दैट मीन ये पक गई हैं। अब ये पक जाएंगी तो इनको निकाल के जो हमने वो डिप करने के लिए दूध बनाया था उसमें डाल देना है। और 6-7 मिनट इसको बनते हुए हो चुके हैं। अब ये ऑलमोस्ट साइज में देखो डबल हो गई है, इसको हल्का सा पलट देना है बस। नहीं भी पलटोगे तो चलेगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। हाँ, और अब इसको बंद करके वापस से 6-7 मिनट के लिए पकाना है और बंद कर देना है। तो ये स्पॉन्ज बोल बन के हमारे तैयार हो चुके हैं, काफ़ी बड़े बड़े भी हो गए हैं, पक गए हैं पूरी तरीके से। अब ये 15-20 मिनट हो गए इनको पकते हुए, बस इतना ही पकाना है, इससे ज़्यादा नहीं पकाना। अब इसको कर देते हैं हम बंद, और थोड़ी देर वेट करते हैं इसका ठंडा होने का, ढक के छोड़ देते हैं, क्योंकि अगर इंस्टेंटली हम इसको निकाल के अपने ये दूध में डिप कर देंगे तो इसमें टेम्परेचर अटैक आएगा। और टेम्परेचर क्योंकि ये है ठंडा, वो एकदम बॉयलिंग टेम्परेचर पे है, तो उससे ना जो आपकी रसमलाई है वो हार्ड हो जाती है। इसलिए बेटर थोड़ी देर उसको उसी में पड़े रहने दो, फिर जब इस टेम्परेचर पे आ जाए जिस पे ये है तो उसको स्क्वीज करके इसमें डाल दो। तो अब ये हम अपनी बॉल्स ट्रांसफ़र कर रहे हैं दूध में, और इसको करेंगे कैसे, अभी ऐसे गर्म है, नहीं तो थोड़ी ठंडी हो जाएगी, तो आप हाथ से भी निचोड़ सकते हो। ऐसे स्पून में लेना है, दूसरे स्पून से दबा के इसको हल्का सा निचोड़ देना है, हल्की सी चाशनी निकाल देनी है इसकी, और दूध में डाल देना। तो अब ये सारे बॉल्स हमने कर दिए हैं इसमें ट्रांसफ़र, और अब इसको हम रख देते हैं, थोड़ा सा गर्म है अभी, इसको रूम टेम्परेचर पे आने देते हैं, और फिर इसको रख देते हैं ठंडा होने फ्रिज में। और ठंडा करने के बाद फिर मैं इसको सर्व करती हूँ। और जैसे ये ना डूब जाने चाहिए प्रॉपर, डूबेंगे तभी अच्छे से वो जो ये दूध है इनके अंदर भरेगा। तो इसकी क्वांटिटी थोड़ी सी ज़्यादा लो, और बहुत ज़्यादा इसको गाढ़ा मत करो दूध को, बस यही दो चीज़ें याद रखने वाली हैं इसमें। तो रसमलाई हमारी बन के तैयार है, और इसको बनाने के बाद मैंने रखा है अप्रॉक्सीमेट 4 से 5 घंटे फ्रिज में। तो अब ये ठंडी हो गई और ये खाने के लिए रेडी है। और दूसरा, इसको गार्निश करने के लिए ना इसके ऊपर पिस्ता डालना रहता है, बट वो घर पे था नहीं तो हम बाहर नहीं गए लेने। वैसे इसमें वही मतलब एक ड्राई फ्रूट है जो सबसे ज़्यादा चलता है, पिस्ता इसके ऊपर गार्निश करने के लिए डालना होता है। तो बाकी अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना इनके अभी तक नहीं किया है, और कोई सजेशन हो तो वो भी बताना प्लीज़। और मिलती हूँ फिर नेक्स्ट वीडियो में।